काफ़ी चलने के बाद हम यहाँ पे एक फार्म हाउस में रुके। फार्म हाउस बहुत अच्छा था, जहाँ पर 3 कमरे थे और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा था। कम से कम आप 8-10 घंटे चलने के बाद हमें ये फार्म हाउस मिला। देखिए मैं आपको कमरे दिखाती हूँ, एक दो और एक ही साइड में तीसरा कमरा था। इसमें अटैच लेटरिन बाथरूम सब था और इसका रेंट ज़्यादा नहीं था। रुकने के लिए रात में 2 बजे के करीब ही बहुत अच्छा ऑप्शन था। यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए लाल रंग की इसलिए हम बरसात में मना किया जाता है कि यहाँ पर यात्री ज़्यादातर ना आए, क्योंकि ये फिसल के रोड पर आ जाती है जिससे कि रोड ब्लॉक हो जाती है। हमारे आने से पहले भी लगभग 12 घंटे तक ये रोड ब्लॉक ऐसे ही रही थी। हमने भी एक दिन का वेट किया और तब जाके हमें मिला और ये व्यू मैं आपको जिस तरीके से दिखा रही हूँ विंडो से फोन उठा कर दिखा रही हूँ, मुझे डर था कि फोन टकरा ना जाए। आप देख रहे हैं कि गलती नहीं है विंडो के और मेरे बीच में, और जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने व्यू यहाँ से लिया है। यमुनोत्री का रास्ता बहुत ही मुश्किल भी है, काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमें जाने को मिला। और आप ये देखिए यहाँ पे फॉग आना शुरू हो गया, मुझे यहाँ पर बारिश हो रही थी और जहाँ पे ज़्यादा आप डार्क देखेंगे वहाँ पर समझ जाइएगा कि हम लगभग संकरी थी और स्टार्टिंग थी जिनका मैं वीडियो नहीं आपको दिखा पा रही हूँ यहाँ पर, वो इन सब वीडियो से पहले थी। जो रोड आती है ये बाद की रोड है। ये देखिए कितना ज़्यादा फॉग है और यहाँ पे इतनी ठंड है कि आपको अच्छे खासे गर्म कपड़े ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ठंड है दिल्ली वाली सर्दी नहीं है, ये सर्दी अलग है। इसमें आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो अगर आप जा रहे हैं यमुनोत्री साइड तो अच्छे से अपने गर्म कपड़े रखकर ले जाएंगे। देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये जो डार्क आप देख रहे हैं यहाँ पे बादल वगैरह थे, उस साइड में खाई है और बड़े बड़े पेड़ हैं और बहुत ही तरीके से देखिए गाड़ी हमारी रुकी है। ये बादल उठ के आ रहे हैं, निकलने का रास्ता चाहिए था क्योंकि बादल उठ के आ रहे हैं। ड्राइवर है बहुत ही साइड में खाई है और आप यहाँ पे फॉग देख रहे हैं। यहाँ पे बारिश हो रही थी, बादल भी थे जिनके बीच में से हम निकल कर गए हैं। व्यू देखिए कितना प्यारा है। और ये अब की बात है जब मई में हम यहाँ से निकले हैं दिल्ली से, मई में कितनी सारी गर्मी है और वहाँ देखिए अगर मई में वहाँ पर ये हाल हो तो आगे जाके क्या हाल होगा। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग कीजिएगा। कितना प्यारा व्यू है ये देखिए, ये जो डार्क बिल्कुल हो गया है, यहाँ पे ब्लैक कलर के क्लाउड्स थे, डार्क क्लाउड्स, इनके बीच में से हम निकल कर गए हैं क्योंकि साइड में बारिश हो रही है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। हम यमुनोत्री की चढ़ाई शुरू हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। गाड़ी वाड़ी जो है बड़ी पार्किंग में रोकती थी जहाँ पे अनाउंस, मुझे भी थोड़ा सांस चढ़ना शुरू हो चुका है। गाड़ी रोकती ऊपर जो व्हाइट स्नो देख रहे हैं वगैरह अवेलेबल, ये पर्वत पर बर्फ पड़ रही है। देखिएगा व्यू कैसा, अगर आप पैदल आना चाहें जैसे कि मैं आ रही हूँ और इसके बाद जान की चट्टी आएगी तो आप थोड़ा हेल्दी होना चाहिए अपने तरीके से, नहीं हेल्थ को लेकर आपको नजर आ रहा है कॉन्शियस होना चाहिए। आपको कीचड़ दिखेगा और अगर आप यहाँ पे यात्रीगण दिखेंगे घोड़ा वोड़ा करना चाहते हैं साफ नहीं, तो उसके लिए आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी थोड़ा। गाड़ी नहीं सॉरी खच्चर घोड़े सब इस पर चलते हैं। लीजिए जान की चढ़ाई आ चुकी है और यहाँ से असल में चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। देखिए कुछ रोड नई बनी है, यहाँ पर रूट नया बना है, 7 किलोमीटर का रूट है और एक ये 5 किलोमीटर और ये जो 5 किलोमीटर समथिंग प्रॉब्लम देख रहे हैं ये बहुत ही इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पे घोड़े भी चलते हैं, इंसान भी चलते हैं साइड में और आप ये देख रहे हैं ना पर्वत काट कर बनाई गई यहाँ पे कितना, और ये जो मर्ड कीचड़ हो रखा है खाई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आती है पूर्वक चलने की। ये देखिए जरूरत है यहाँ पर, मैं पैदल चल रही थी कुछ देर और व्यू बहुत अच्छा है। मेरी टीम के मेंबर्स थे वो थक गए
यहाँ का नज़ारा देखिए कितना प्यारा है। लीची का भी आपको दिखाती हूँ, ये लीची खाई है, पानी बह रहा है, हमारे की भी जल प्रवाह हो रहा है। साइड में देखिए बड़े बड़े पत्थर हैं। हेलो, देखिए वो मेरी दीदी जा रही है, बड़ी बहन मेरी। हाय, भाई देखिए साइड में कितने बड़े पत्थर हैं। और तो कैसा महसूस कर रही हैं आप यहाँ पर आकर? थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही है, बीपी और सांस नहीं आ रही है आपको, सब चीजों का ऑक्सीजन चाहिए। अब बहुत ही सोच समझ कर अपना रास्ता चुनिए। कपूर से थोड़ा ऑक्सीजन सही होता है, तो ये कपूर सुन रही थी। सो वी आर राइडिंग ऑन हॉर्स, हमने भाड़ा किया, ये देखिए। और बार्गेनिंग करने के बाद 1500 से जाने के लिए, अगर आप लोग लौट के जाना चाहते हैं, जाना आना चाहते हैं, वी आर राइडिंग। मैं फ़ोन ज़्यादा टच नहीं कर सकती हूँ, फ्रंट कैमरा नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैंने हॉर्स के जो पकड़ने का होता है सेफ्टी को देखते हुए वो पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से मैं फ़ोन से वीडियो आपको दिखाना चाह रही है। यमुनोत्री की चढ़ाई है, और सारी चढ़ाई देखिए ऐसे ही पैड़ी, ये जो पैड़ियाँ बनी हुई हैं, स्टेयर्स जो बनी हुई हैं ऐसे ही है। और देखिए यहाँ पे सारे को कीचड़ी कीचड़ है, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश आती रहती है। और ये भैया जो मुझे ले जा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी नेचर के हैं। भैया आपका नाम क्या है? राजू, साजिद, राजेश। इन भैया का नाम राजेश है, बहुत ही अच्छा इनका नेचर है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर आए और ये आपको दिखे, तो आप इनसे अपनी जो है बुक करा लीजिएगा। हॉर्स राइडिंग ही बोल सकते हैं आप इसको, राइडिंग भी बोल सकते हो, यात्रा भी बोल सकते हो। इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही सेफ्टी से ले जाते हैं। ये देखिए ये कैसे बीच बीच में पत्थर आ रहे हैं आप, ये देखिए चढ़ाई के दौरान, क्योंकि ये जो रूट बनाया गया है ये नया रूट है, और ये 5 किलोमीटर का रूट है। और इस रूट में बीच बीच में ऐसे ही आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, शॉप देखने को मिलेगी। ये देखिए ये थोड़ा सा रोड छोटा है, और इस पे हर तरह के मतलब घोड़े, खच्चर, और ये देखिए वो पोटी कर प्रेशर आ गया है ना उसको। अच्छा ये देखिए पत्थर कैसे हैं यहाँ पे, मुझे हेड डाउन करना पड़ेगा ऐसे। बीच बीच में यहाँ पर सब कुछ आता रहेगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप सभी की तरफ से भी मैं दुआ करूँगी माँ यमुनोत्री से, कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, या जो भैया इसकी, ये जो राजेश भैया इनकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहता है, तो आप कर सकते हैं लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो करके, सब्सक्राइब करके। देखिए बीच बीच में खाने पीने का यहाँ पर है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, फ्रूटी चिप्स ये सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे स्टे भी कर लीजिए अगर, क्योंकि कंटिन्यू आप नहीं चल सकते हो, सांस फूलेगी आपकी, तो आप धीरे धीरे रुकिएगा। चलिए के बाद भैया ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया, गंगोत्री चौड़िया सब देख रहे हैं, और ये देखिए भीड़ कितनी है, और ये अभी से भीड़ लगी है, लंबी लाइन से चली आ रही है। ये देखिए देखिए कितना पेशेंट्स के साथ आगे की चल रही है। यहाँ से देखिए माँ का दरबार भी दिख रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पीछे की लाइन आप देखिए, माँ यमुना मंदिर मंदिर से स्नान करके और दर्शन करके